ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, कृषि कानून वापस लेने पर लगेगी मुहर, क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने वाले बिल पर भी हो सकता है फैसला। आबादी की आशंका के बीच क्रिप्टो करेंसी का भाव गिरा, बिटकॉइन में 15% तक की आई गिरावट, अन्य क्रिप्टो करेंसी में भी आई गिरावट। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीएसएफ की बड़ी ताकत और त्रिपुरा हिंसा पर भी हो सकती है चर्चा। चुनावी मौसम में तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की दूसरी पहल, पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी, आज जनता को मिलेगा फायदा। सरकार अपनी इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल को कर सकती है रिलीज, 3 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, क्रूड के दाम $70 तक लाने की कोशिश। पूर्व वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा सरकार के फैसले से नाराज, कहा रिजर्व ऑयल देश की सुरक्षा के लिए है, प्राइस कंट्रोल करने के लिए नहीं। रिजर्व तेल निकालने के फैसले से बढ़की कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले कि रिजर्व ऑयल बुरे वक्त के लिए है, क्या देश इस बुरे वक्त के दौर से गुजर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर को देंगे बड़ी सौगात, जम्मू में 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला, कश्मीर घाटी से हर मौसम में हो सकेगी कनेक्टिविटी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत सिंह की मुलाकात से यूपी की सियासत गर्म, जयंत के बाद अखिलेश ने भी एक फोटो ट्वीट कर लिखा बढ़ते कदम। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में करीब 3 दर्जन सीटों पर बनी सहमति, जल्द आधिकारिक तौर पर हो सकता है गठबंधन का ऐलान। अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल ने मांगा डिप्टी सीएम का पद, सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन नेता आरएलडी की सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। ये भी आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने थामा टीएमसी का दामन। पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा और कीर्ति आजाद ने भी ली तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता, दिल्ली में तीनों नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी की मौजूदगी में तीनों नेताओं ने सदस्यता ली। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मुंबई हमले को लेकर अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, अपनी किताब में कहा मुंबई हमले के बाद मनमोहन सरकार को करनी चाहिए थी बड़ी कार्रवाई। मनीष तिवारी ने की मनमोहन सरकार की जमकर आलोचना, कहा मुंबई हमले के बाद संयम कमजोरी की पहचान, किताब में पिछले 20 सालों में भारत में हुई घटी घटनाओं का जिक्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर जागा पाक प्रेम, कहा जम्मू कश्मीर में शांति के लिए भारत को करना चाहिए पाकिस्तान से बात। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम चीन से कर सकते हैं बात तो पाकिस्तान से क्यों नहीं, भारत की जमीन में चीनी निर्माण का किया दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के शिक्षकों को की 8 गारंटी, कहा राज्य में शिक्षकों की हालत बेहद खराब। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का ऐलान, बोले सरकार बनने पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों को करेंगे पक्का, समय पर प्रमोशन देने और खाली पड़े पदों को भरने की भी कही बात। अरविंद केजरीवाल का दावा, पंजाब कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सदस्य सांसद आम आदमी पार्टी में आने को तैयार है, कहा लेकिन हमें उनका कचरा नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने फिर की सिद्धू की तारीफ, कहा पंजाब में रेत सस्ता होने के दावे को सिद्धू ने किया झूठ साबित, सच बोलने के लिए सिद्धू की हिम्मत की दाद भी दी। राजस्थान में थम नहीं रही सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जंग, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गहलोत के नए सलाहकार और निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट पर बोला हमला। सीएम गहलोत के सलाहकार रामकेश मीणा का बयान, अगर साल 2023 में सचिन पायलट को बनाया गया चेहरा तो सूबे में साफ हो जाएगी पार्टी, आलाकमान से इस बारे में बातचीत करने के लिए भी कहा। रामकेश मीणा ने कहा जिन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए लगाया एड़ी चोटी का दम वो फिर आए वापस, पिछले बार कांग्रेस की कम सीटें आने पर पायलट पर फोड़ा ठीकरा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के घर के बाहर चस्पा किया गया फरार घोषित करने वाले कोर्ट का आदेश, 30 दिनों में हाजिर होने का अल्टीमेटम।
अदालत के आदेश के बाद जुहू स्थित परमबीर सिंह के फ्लैट के बाहर चिपकाया गया नोटिस, फिलहाल परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर है रोक। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक करीब 25 करोड़ 89 लाख से ज्यादा केसेस आए सामने, 51 करोड़ 52 लाख से 82 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में बीते 24 घंटों में 7000 से ज्यादा केसेस, 12000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, एक दिन में 236 लोगों की गई जान। भारत में कुल कोरोना के केस 3,45,00,000 के पार, अब तक करीब 3,39,00,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 4,65,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 26 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 290 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 656 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66,00,000 के पार, 13,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 12 से नए केसेस ज्यादा आए सामने, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 100 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 600 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 17,00,000 के पार, 16,87,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 3 नए केसेस, कुल मामले 7,00,000 के पार, 40 लोगों का इलाज जारी। हरियाणा में 21 नए कोविड के केस, कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार, अब तक करीब 7,60,000 लोगों की रिकवरी, 138 केस एक्टिव। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के अंदर 110 नए केसेज आए सामने, कुल संक्रमण का आंकड़ा 2,26,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 800 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 117,63,00,000 के पार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का डांस वीडियो वायरल, मांडला जिले में आदिवासियों के साथ ढोल बजाते डांस करते नजर आए। शिवराज सिंह ने जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह को किया संबोधित, कहा जनजातियों को दिया जाएगा हेरिटेज, शराब को बेचने का अधिकार, सरकार नई आबकारी नीति पर भी कर रही काम। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बाद टीएमसी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सयानी घोष को अगरतला कोर्ट में मिली जमानत, त्रिपुरा पुलिस ने सयोनी घोष हत्या की कोशिश के आरोप में किया था गिरफ्तार। बढ़ती महंगाई के बीच टमाटर ने देश के कई शहरों में लगाई सेंचुरी, जयपुर में 100 रुपए किलो बिक रहा टमाटर, दिल्ली और मुंबई भोपाल में भी कीमतें लगातार छू रही है आसमान को। दक्षिण भारत में बेमौसम बारिश से टमाटर की फसल खराब, शादियों का सीजन शुरू होने से भी टमाटर की मांग बढ़ी, जनवरी या फरवरी से कम हो सकते हैं टमाटर के दाम। 25 नवंबर को होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक, शीतकालीन सत्र बुलाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, हरियाणा में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा, 23 एजेंडों पर करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों को भी मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से की बातचीत, अगले साल से 11वीं और 12वीं के छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। सीएम ने एचपीएससी में गड़बड़ जाले पर भी बयान दिया, कहा मामले में आरोपी अनिल नागर की जांच जारी, दोषी पाए जाने पर भ्रष्टाचारी के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। फर्जीवाड़े के मामले में पंचकुला के विजिलेंस कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने अनिल नागर समेत 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा, अब 26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से की खास बातचीत, कहा हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए उपलब्ध करवाएगी सैनिटरी नैपकिन, शिक्षा विभाग ने 1,70,00,000 सैनिटरी नैपकिन का दिया ऑर्डर। जनता टीवी से खास बातचीत में बोले कंवरपाल गुर्जर, कहा सैनिटरी नैपकिन पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में बनेंगे बैग फ्री। कंवरपाल गुर्जर का बयान, बोले संस्कृत मॉडल स्कूल में बैग फ्री योजना के लिए सरकार ने 2238 स्टील बैग का दिया ऑर्डर, हरियाणा के कुल 1400 से ज्यादा स्कूलों में जरूरत के मुताबिक दिए जाएंगे बैग।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने चंडीगढ़ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरियाणा सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा भर्ती घोटाला व्यापक घोटाले से भी बड़ा है। रणदीप सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल पर कसा तंज, कहा हरियाणा में खर्ची पर्ची से नहीं बल्कि अटैची से बिक रहा रोजगार। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब के सीएम चन्नी को नकली केजरीवाल बताने के बयान पर सुरजेवाला ने किया पलटवार, कहा पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने गरीबों, किसानों और दुकानदारों के लिए उठाए साहसी कदम, इसलिए केजरीवाल के पेट में हो रहा दर्द। सुरजेवाला ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा पंजाब में अच्छे विपक्ष की जरूरत, फर्जीवाड़ी की घोषणा करने वाले लोग पहले दिल्ली में लागू करें अपनी घोषणाएं। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर पहुंचे संतोष कॉलोनी, कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से विधायक का किया जोरदार स्वागत। विधायक राजेश नागर का दावा, बोले कोरोना की वजह से बाधित हुआ था विकास कार्य, समस्याओं के जल्द समाधान की कही बात। अंबाला शहर ने स्वच्छता में पेश की मिसाल, स्वच्छ भारत मिशन 2021 के तहत पूरे हरियाणा में हासिल किया चौथा स्थान, वहीं देश में पाया 90वां स्थान। स्वच्छता के मामले में कांस्य पदक की श्रेणी में रखा गया अंबाला शहर, सफलता के बाद विधायक असीम गोयल ने भी सभी सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान विधायक असीम गोयल ने लिया प्रण, बोले भविष्य में टॉप 20 के अंदर लाना है अंबाला शहर। करकीदादरी में पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कई मुद्दों को लेकर चर्चा, इस दौरान विधान ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। करनाल को स्वच्छता के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में देखने का सपना हुआ फेल, स्वच्छता सर्वेक्षण में 69वें से गिरकर 86वें पायदान पर पहुंचा नगर निगम, प्रदेश में तीसरा स्थान किया हासिल। देश में 24वीं रैंक हासिल कर हरियाणा में पहले नंबर पर गुरुग्राम रहा, वहीं पर रोहतक 49वें रैंक पर हासिल किया स्थान। साफ सफाई के मामले में देश में साल 2020 में 17वें रैंक पर करनाल, वहीं पर सभी जिलों को पछाड़कर हरियाणा में बनाई थी पहले नंबर पर अपनी जगह। नू में बस अड्डों का होगा कायाकल्प, बस अड्डे के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी सरकार, यात्रियों और स्टाफ को मिलेगा लाभ। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले ट्रैफिक मैनेजर, कहा जल्द बस अड्डों की मरम्मत का शुरू होगा काम, पुनहाना और फिरोजपुर झिरका के बस अड्डों के पुनर्निर्माण की भी कही बात। निर्माण कार्य को लेकर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने परिवहन विभाग के साथ की बैठक, कार्य पूरा करने पर 6 महीने का टारगेट। फरीदाबाद के साहूपुरा गांव में सम्मान समारोह का आयोजन, स्पार्टन बॉक्सिंग अकादमी ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप को किया सम्मानित, कुल 29 खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। पानीपत में हुआ था नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन, प्रतियोगिता में 12 से 21 साल के बच्चों ने लहराया फरीदाबाद का परचम, 24 खिलाड़ियों ने हासिल किया गोल्ड। सर्दियों की शुरुआत होते ही तो शाम में बड़ी गर्म वस्त्रों की मांग, दुकानदारों ने डिमांड को देखते हुए बढ़ाया स्टॉक, लोग बड़ी मात्रा में खरीद रहे सर्दियों के वस्त्र। फरीदाबाद में यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूलों को खोलने की उठाई मांग, जिला उपायुक्त से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कहा कि कोरोना के चलते प्रभावित हुई पढ़ाई, अब प्रदूषण के नाम पर स्कूल बंद रखने से बच्चों को होगा नुकसान। यमुनानगर में कांग्रेस ने निकाली जन जागरण यात्रा, बढ़ती महंगाई पर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल, 29 नवंबर तक चलेगा कांग्रेस का जन जागरण अभियान। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कांग्रेस नेता श्याम सुंदर का बयान, बोले महंगाई बेरोजगारी में हरियाणा अव्वल। सोनीपत में सख्ती के बावजूद पराली जलाने पर नहीं लग रहा लगाम, वायु गुणवत्ता पर भी पड़ रहा बुरा असर। 3 सदस्यीय टीम फसल अवशेष को जलाने से रोकने का कर रही प्रयास, पराली जलाने पर 49 किसानों पर 1,17,000 से ज्यादा का लगाया गया जुर्माना। करनाल में खाद्य आपूर्ति विभाग के 2 अधिकारी हुए सस्पेंड, गेहूं चोरी में अमले में किया बर्खास्त, सीएम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कुछ दिनों पहले कट्टों में परखी मारकर गेहूं निकालने का वीडियो आया था सामने, एडीसी की जांच के बाद दोनों अधिकारी को किया गया सस्पेंड।
गोहाना में पुलिस निर्माण करने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग करेगा बड़ी कार्रवाई। 24 लोगों को भेजा गया नोटिस, साथ ही टॉप 100 प्रॉपर्टी डिफॉल्टर्स की भी बनाई गई लिस्ट। करनाल में बिजना गांव के पास झाड़ियों में मिला गंभीर अवस्था में नवजात बच्चा, ग्रामीणों ने अस्पताल में करवाया भर्ती, साथ ही पुलिस को क्या सोचा। जींद में बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ, दिन दिहाड़े बदमाशों ने व्यवसायियों पर जमकर की फायरिंग, एक की मौत एक गंभीर घायल। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अस्पताल में करवाया भर्ती, केस दर्ज कर शुरू की मामले की तफ्तीश। पलवल में बच्चों के कपड़े खरीदने गए युवक पर कार सवार बदमाशों ने चलाई गोली, बाल बाल बचा युवक। गोली से बचने के बाद कार सवार बदमाशों ने युवक से की जमकर मारपीट, भीड़ को देखकर मौके से फरार हुए बदमाश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कालावली के रोड़ी गांव में पूर्व सांसद चरणजीत सिंह ने अधिकारियों को लिखित रूप से दी शिकायत, मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने की उठाई मांग। रेवाड़ी में अचानक भरभराकर गिरी जिला शिक्षा विभाग की जर्जर दीवार, मलबे में दबे एक कार और एक ऑटो, हादसे में नहीं हुई कोई जानहानि। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर लापरवाही के लगाया आरोप, का शिक्षक के बाद भी मामले में शिकायत के बाद भी मामले पर नहीं दिया गया ध्यान। शौर्य चक्र से अलंकृत हुए हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी के रहने वाले अमित राणा, सीएम जयराम ठाकुर समेत प्रदेशवासियों ने अमित राणा को दी शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिवस के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर की शुभकामनाएं, लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की भी कामना की। पांवटा साहिब में गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम का आयोजन, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान सुखराम चौधरी का बयान, बोले लगातार जनहित में काम कर रही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है मुफ्त गैस कनेक्शन। 24 नवंबर को हिमाचल अतिथि गृह पीटरहॉफ में होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह भी लेंगे बैठक में अध्यक्षता। ज्वाली ब्लॉक कांग्रेस के राज्य सह प्रभारी सुनील दत्त का बीजेपी परिवार, बोले बीजेपी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी के सिवाय नहीं है कोई भी उपलब्धि। ऊना के चढ़तगढ़ में सतपाल सत्ती ने 30 लाख से ज्यादा बनने वाली सिंचाई योजना का किया भूमि पूजन, इलाके के हजारों लोगों को मिल सकेगा इस योजना का लाभ। हिमाचल में जोरों पर चल रहा वैक्सीनेशन अभियान, 40,72,210 लोगों को लगी सेकेंड डोज, 3 दिसंबर को टारगेट होगा पूरा। हमीरपुर में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल, डिजिटल युग में पुस्तकालय में युवाओं को मिल सकेगी ताजा जानकारी। जिला पुस्तकालय परिसर में ई लर्निंग सेंटर को किया गया स्थापित, युवाओं ने जिला प्रशासन का जताया आभार। मंडी में वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल लेन देन पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर, लोगों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। ऐतिहासिक शहर की प्राचीन अघोरी कुटिया में मूर्ति स्थापना, स्थापना से पहले शहर में निकली शोभा यात्रा, विश्व शांति के लिए भी की गई कामना। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन की पहल, ट्रक यूनियन नालागढ़ में ट्रक ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के बारे में किया गया जागरूक। नान के मोगीनंद में प्रशासन ने किया अवैध निर्माण को सील, हिंदू जागरण मंच ने की थी शिरकत, दरगाह की आड़ में सरकारी भूमि पूजन कब्जाने की कोशिश। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगा भारत का गेहूं, युद्धग्रस्त मुल्क को मानवीय सहायता के लिए इमरान सरकार ने दी मंजूरी। तालिबान राज में अफगानिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम का वो बंटाधार, कुछ महीनों में ध्वस्त होने का बना खतरा। चीन पाक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर इमरान सरकार की बड़ी मुश्किल है, सड़कों पर उतरे लोग, कहा पहले बुनियादी जरूरतें पूरी करे इमरान सरकार। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हुए कोरोना संक्रमित, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी।
अमेरिका ने जर्मनी डेनमार्क की यात्रा पर लगाई रोक, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जारी किया अलर्ट, वैक्सीनेशन के बाद भी देश में बढ़ रहे कोविड के केसेस। तमिलनाडु ने कर्नाटक को बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से दी मात, दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सामने अपने नाम को किया जीत के हीरो रहे युवा खिलाड़ी शाहरुख खान। शाहरुख की पारी देखते हुए माही का फोटो हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर फैंस बोले चेन्नई की तलाश पूरी। दक्षिण अफ्रीका दौर के हार्दिक पांड्या का चयन होना मुश्किल, चयनकर्ताओं ने हार्दिक से कहा कि एनसीए का दौरा कर साबित करे अपनी फिटनेस। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए रोनाल्डो, मैसी समेत 11 खिलाड़ियों को फीफा 2021 के लिए किया गया नॉमिनेशन, 17 जनवरी को होगा विजेता की घोषणा। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में श्रीलंका ने कसा शिकंजा, अपनी पहली पारी में बनाए 386 रन, कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने खेली कप्तानी पारी। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटाया पति का नाम, फैंस ने फैलाई तलाक की अफवाह, अलगाव की खबरों पर भी प्रियंका की मां ने किया इनकार। करण जौहर ने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का पोस्टर किया शेयर, राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। 67 साल की उम्र में कोविड पॉजिटिव हुए कमल हासन, रिपोर्ट आने के बाद एक्टर को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती, कमल हासन ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। 51 साल के हुए फिल्म डायरेक्टर साजिद खान जन्मदिन के मौके पर फैंस समेत कई कलाकारों ने दी बधाई, साजिद ने साल 1995 में टीवी से की थी अपने करियर की शुरुआत। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।